आज हम आपको लेकर चलते हैं शाहतलाई, जहाँ का इतिहास बाबा बालकनाथ जी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पौनाहारी ने कई वर्षों तक तप किया, जहाँ बाबा बालकनाथ जी ने 12 वर्षों तक माँ रत्नों की गायें चराई थी। इस स्थान को छोड़ने के बाद उन्होंने वादा किया था कि वे हर साल चैत्र माह में शाहतलाई आएंगे। इसी वजह से वहाँ चैत्र महीने में भारी मेला भी लगता है। यहाँ पर स्थापित कुंड का जल शीशे जितना साफ है। जहाँ आज भी है वो अखंड ज्योति जो बाबा बालकनाथ जी के वक्त से जल रही है। इस जगह आज एक भव्य मंदिर स्थित है। आइए हमारी टीम के जरिए जानते हैं इस कुंड के साथ ही शाहतलाई के पूर्ण इतिहास के बारे में। जब से गंगा जी प्रकट हुई जब से लेकर उसी समय तक इतने इसके पानी का बहाव नहीं है। सर्दी में गर्मी में किसी भी मौसम में कम नहीं होगा, जो भी है इतना निरंतर चल रहा है और एक समान जल चलेगा एक समान रूप से। तो माता पार्वती जो है शिव के पास वहां से लेकर के गई बाबा जी को, बाबा जी ने दर्शन पा के बहुत ही प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम किया भोलेनाथ के चरणों में। भोलेनाथ ने बाबा जी को उठाया, अपने गले से लगाया। तो भोलेनाथ ने बाबा जी से कहा कि बालक अभी तक जो है आपकी भक्ति जो है वो पूर्ण नहीं। तो बाबा जी के मन को बड़ा थोड़ा महसूस हुआ कि मेरे से कौन सी गलती होगी, कौन सी भूल होगी जो मैं अपनी भक्ति के ऊपर पूरा नहीं उतर पाया हूँ। तो उनसे पूछा, महाराज मेरे से कौन सी गलती होगी? तो भोलेनाथ ने बताया कि जो माता धर्मो आपको रास्ते पे मिली उसका कर चुका, तब आपकी भक्ति जो है वो पूर्ण। तो भोलेनाथ से पूछा बाबा जी ने कि महाराज वो माता मुझे अब कहाँ मिली? तो बाबा जी ने कहा जाओ एक चंगर नाम का एक स्थान है, वहां वो माता रत्नों के रूप में आपको मिलेगी, उसका कर चुकाओ तब आपकी भक्ति जो है वो पूर्ण होगी। तो बाबा जी भ्रमण करते करते शाम यहाँ इस जगह चंगर नाम के स्थान के ऊपर पहुंच गए। इस जगह का नाम चंगर है, शाहतलाई नाम का पड़ा जहाँ बाबा जी ने शाह निकाली है। तो बाबा जी यहाँ पर पहुंचे और माता रत्नों के घर पे आके अलग जगा दी। यहाँ पर माता रत्नों का ही घर था, मंदिर तो बाद में बना, ये जो स्थान परली तरफ बना हुआ है ये माता रत्नों का घर है। ये ऊपर खुला खड़ा था, सहजूत का एक पेड़ हुआ करता था इस जगह के ऊपर। बाबा जी यहाँ बैठ गए और धूना रमाया। ये धूना जो है बाबा जी के हाथों से चला हुआ है, अखंड धूना है। बाकी जो चीजें नहीं बन रही है, टूट रही है, बन रही है, लेकिन ये धूना जो है उसी वक्त से चल रहा है। आज से 2300 साल पुरानी बात है। तो बाबा जी यहाँ पे 12 साल तक माता के पास नौकर बन के रहे, माता की गौ चराई, घुरना झाड़ी के पास जाते थे। घुरना झाड़ी में बाबा जी दिन में तपस्या में लीन हो जाते थे, शाम को गऊ को लेकर के शाहतलाई यहाँ पे आ जाते थे और अपने धोने पे तपस्या में लीन हो जाते। 12 साल इसी तरह बीत गए बाबा जी को माता की सेवा करते हुए। तो लास्ट में बाबा जी ने सोचा मेरा तो नहीं पूरा हो गया, तो मैं अब माता को कैसे दूं। उन्होंने लीला रखी, लोगों की फसलें चरा दी माया द्वारा। फसलें चराई नहीं लेकिन लोगों को दिख रहा था कि फसल चरी हुई। तो माता के ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।